हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज अपने एक दिवसीय प्रवास के तहत उदयपुर में है। इस दौरान जावड़ेकर ने उदयपुर शहर के सेक्टर 13 इलाके में स्थित एक वाटिका में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली। शहर जिला की आयोजित हुई बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली सहित पूर्व एवं वर्तमान पार्षदों के साथ बीजेपी के अग्रिम मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। उद्बोधन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए आह्वान किया, साथ ही किस तरीके से पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके इस पर महत्वपूर्ण मंथन किया। इसके अलावा जावड़ेकर ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के मार्फत हुए आम जन के जन जीवन में बदलाव पर भी अपनी बात रखी। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार की योजनाओं से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, ऐसे में उन लोगों को बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जाकर टच करना चाहिए, ताकि यह सभी लोग आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाने में पूरी मदद करे। कांग्रेस को सपने में भी दिखाई देता है राफेल, कांग्रेस के हर सौदे में बिचौलिया होते थे, लेकिन भाजपा में कोई नहीं है बिचौलिया। कांग्रेस ने 2014 में सौदे को रोका, उस समय कोई नहीं था बिचौलिया। प्रकाश जावड़ेकर का बयान, सीबीआई को लेकर कहा एक और दो नंबर के अधिकारियों को भेजा छुट्टी पर। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने उदयपुर में मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन, गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी रहे मौजूद। उद्घाटन के बाद जावड़ेकर ने मीडिया सेंटर का किया अवलोकन। इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।